अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, अपने विंडोज़ के ऊपर कास्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड और माउस के जरिए। ठीक, आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अपने कीबोर्ड और माउस से यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप टाइप कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी कॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है, अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है तो आपने ये एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये नीचे ये लिंक दिया गया है, ये देखें आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसको आपने बाद में इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड्स में, ये मेरे ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपका सैमसंग के अलावा कोई और एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने सिंपल ADB ड्राइवर, वो मैं दिया गया होगा लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसका ना, जो यूनिवर्सल ड्राइवर है, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आप वो भी वर्क करेंगे आपके ना। मैंने इसको यस कर दिया, मेरी ऑनलाइन इंस्टॉल, लेकिन मैं फिर भी अपडेट कर देता हूँ। अभी वो स्टार्ट हो रहा है, लोड कर रहा है। देखिए मैं नेक्स्ट 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 कर देता हूँ, और ये देखें इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये इंस्टॉल हो रहे हैं, अब हम वेट करेंगे जब तक इंस्टॉल होते हैं। तो वो ड्राइवर मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। अब ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपने जो नेक्स्ट फाइल है डिस्क्रिप्शन में दी होगी होगी वो आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, वो फाइल होगी ये चीज, ये वाली। ठीक है, ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये विनर फाइल होगी, ये डाउनलोड कर लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, इसके जरिए हम अपनी जो एंड्रॉयड की स्क्रीन है वो कास्ट करेंगे अपने विंडोज़ के ऊपर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आपने डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये चीज फोल्डर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। अच्छा, अब अपने ड्राइवर तो इंस्टॉल कर लिए हैं, दूसरी चीज़ जो आपने करनी है ना, अपने मोबाइल के ऊपर USB डिबगिंग का ऑप्शन इनेबल करना है। आपने USB डिबगिंग इनेबल कर लिया, इसको इनेबल करने के बाद आपने ये विंडोज़ के ऊपर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर ये एग्जी फाइल होगी। ठीक है, इसको आपने रन करना है। ठीक है, इसको हमने रन किया, ये देखिए यार यूज सिंपल मोड ऊपर आ रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ से अनटिक कर देते हैं, ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट और USB कनेक्ट। हम इसको USB कनेक्ट करेंगे केबल के जरिए, ताकि परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी आए, मतलब कि आप जब इसको यूज़ करें तो लैग ना करे, उसकी परफॉर्मेंस ठीक आए। तो यहाँ पर आपने ये नीचे आ रहा है मैक्सिमम साइज, यहाँ पे आपने 720 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये बिट रेट 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाए, जब आप स्क्रीन आपकी विंडोज के ऊपर आए तो आपके मोबाइल पे स्क्रीन ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको नहीं छेड़ते, हम जस्ट किसी और चीज़ को नहीं, ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करते, सिर्फ आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन जो साइज है वो 720 करना है और बिट रेट 2। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल जो केबल के साथ कनेक्ट करना है PC के जरिए, PC के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट किया है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा, आपने इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, आपने इसको अलाउ कर दिया है, ये देखिए वो मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया, साथ ही वो आ गया इसका ऑप्शन। ठीक है, अलाउ करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम।
ठीक है, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा मोबाइल, ठीक है। हम इसको, मैंने इसको यूएसबी कनेक्ट किया, ये देखिए मोबाइल आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये देखिए मेरा मोबाइल यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। स्क्रीन हमारी कास्ट हो गई है, मैं यहाँ से अपना मोबाइल यूज़ भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए मैं मोबाइल अपना माउस और कीपैड से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देखिए फ़ोन नंबर में जाता हूँ, देखिए मैसेज ओपन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप न्यू मैसेज टाइप भी कर सकता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पर जा कहता हूँ कुछ कुछ भी करता हूँ, हाय हाय, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। वो टाइप करके आप यहाँ से अपनी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कॉर्ड कर देता हूँ, मिनिमाइज। तो इस तरह आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ भी आप, मतलब कि अपना पूरा एंड्रॉयड फोन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से टिकटॉक यूज़ करें, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, ठीक है। यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे अभी ये देखें आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, या आप सेटिंग में जो बंदी थी, या फिर आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, सारी ऐप अपना पूरा एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एंड्रॉयड गेम्स है वो आप खेलना चाहते हैं स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, जैसे पबजी न्यू स्टेडर और पबजी दूसरी गेम्स हैं, आजकल पॉपुलर गेम्स हैं, वो आप यूज़ अपनी स्क्रीन विंडोज़ के ऊपर शेयर करके वो पबजी गेम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो की मैपिंग है ना वो आप करनी पड़ेगी। मतलब कि आपके टच स्क्रीन पर जहाँ जहाँ पे कंट्रोल्स हैं वहाँ पे आपके की मैप करना पड़ेगा आपको ना। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे एंड्रॉयड गेम्स खेल सकते हैं। उससे ये होगा, उसका ये फ़ायदा क्या, अगर आप ऐसे विंडोज़ पे खेलते हैं ना जो गेम्स वगैरह इमुलेटर करके, जैसे ये होता है गेम लूप, तो उसके अंदर ये होता है कि वो आपकी जो पबजी वाले वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप इमुलेटर वो यूज़ करते हैं, या आपको वो जो मोबाइल प्लेयर्स होते हैं उनके साथ टीममेट आप नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि आप इमुलेटर वाले प्लेयर हैं, ठीक है। तो मोबाइल के साथ मोबाइल प्लेयर्स को ही वो टीममेट बनाते हैं, तो लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आप स्क्रीन शेयर करेंगे आपको बिग स्क्रीन भी मिल जाएगी, और आप जो है वो खेल भी सकते हैं मोबाइल प्लेयर्स के साथ, ठीक है। पबजी वालों को आइडिया नहीं होगा कि आप विंडोज़ के ऊपर खेल रहे हैं कीबोर्ड माउस यूज़ करके। इस तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन यूज़ कर कास्ट करके कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन टाइम देखें कितना फास्ट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा अगर वायर से कनेक्ट करेंगे। वायरलेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वायर के जरिए कनेक्ट करके अपना यहाँ पे इसको यूज़ करें, ठीक है। इससे आप ट्रूवील्स वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।